नहीं, वो दर्द दर्द सिराथू वाला है, जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनके पीछे पीछे लगा है, चला आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद भाजपा संगठन और सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुर्सी की लड़ाई को लेकर अंदर ही अंदर चर्चाएं जोरों पर हुए। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार कई बैठकें हुई। पहले जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिले, इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं बीजेपी में इस खींचतानी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में शासन और प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ लौटे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि देश और प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार मजबूत है, सपा का पीडीए सिर्फ धोखा है। अब यूपी में सपा के गुंडे राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में भी 2017 दोहराएगी। वहीं डिप्टी सीएम के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का दर्द सिराथू वाला है, वो सिराथू में चुनाव हार गए इसीलिए वो दर्द उनके पीछे लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। नहीं, वो दर्द दर्द सिराथू वाला है, जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनके पीछे पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदायी दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है, वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है।